हेलो माय डियर फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट, आज आपका स्वागत है आपके चैप्टर नंबर 8 में, जो कि है मैथ किताब का, इसका नाम है साइज। ठीक है, साइज मींस बेसिकली होता है आकार। ठीक है, तो इस चैप्टर के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि जितने भी जीव जगत में प्राणी हैं, आदमी हैं, मानव हैं, वस्तुएं हैं, उनमें कौन सी चीजें लंबी हैं, कौन सी छोटी हैं, कौन सी मोटी है, कौन सी बड़ी। ठीक है, उसके बारे में आज हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, किसका साइज किसकी तरह सेम होता है। ठीक है, कौन सी आकृति किसकी तरह शो ऑफ होती है, कैसी दिखाई देती है। ठीक है, तो इस चैप्टर के माध्यम से आज हम कवर करते हैं। तो पहला कह रहा है सेम शेप एंड सेम साइज, यानी कि सेम शेप, एक समान बनावट एंड साइज और आकार। तो देख रहे हो, फर्स्ट डॉग देखो, सेकंड डॉग देखो, दोनों की जो शेप है वो इक्वली है, वो सेम है। ठीक है, नेक्स्ट है एक एप्पल देखो आप, ये एप्पल देखो, तो इनकी जो शेप है देखो, इसकी शेप एप्पल जैसी है, इसकी शेप टेढ़ी है। ठीक है, इसकी शेप जो है, तो इस शेप को हम कहेंगे डिफरेंट साइज का। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, ये है सेम शेप एंड सेम साइज। नेक्स्ट आता है कंपेयरिंग साइज। कंपेयरिंग मतलब कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन उससे भी छोटा है या कौन सबसे छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन गालें दे रखी हैं इन्होंने, तो वो कह रहा है कौन सी बड़ी है, तो लॉन्गेस्ट में ये है, मिडलेस्ट में ये है, और शॉर्टेस्ट में ये आएगी। उसके बाद आती है टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट। टॉलेस्ट मतलब लंबा। ठीक है, कौन कितना लंबा, तो ये कह रहा है कौन सी बिल्डिंग इनमें से लंबी है, कौन सी छोटी है, तो ये बता रहा है। तो ये बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है सबसे लंबी है और ये सबसे छोटी है, तो इसको बोलेंगे टॉलेस्ट, इसको बोलेंगे शॉर्टेस्ट, और ये मिडलेस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है एक्सरसाइज नंबर 8.1, तो कह रहा है टिक राइट, राइट का चिन्ह लगाना, द वन एक पर दैट इज ऑफ द सेम शेप एंड साइज, जिसका जो That is of the same shape, जिसका आकार और आकृति एक सी। ठीक है, उस पर आपको टिक राइट करना है। तो ये देखो, आपको पहले उसने आकृति दी है, त्रिभुज आकृति है, ट्राइंगल है, तो ये क्या है, ये सर्कल है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये इसका मतलब ये क्या है, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, और ये रेक्टेंगल है, और ये क्या है, ये एक ट्राइंगल है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बी पार्ट, ये एक सर्कल दे रखा है इन्होंने, तो इसमें आपको सेम लगाना है। अब देखो, इनको छोड़ो, इसको देख लेते हैं, इन दोनों को, इसमें जो है एक तो आपका ओवल है, एक है रेक्टेंगल, ये क्या सॉरी सर्कल, तो ये ओवल है तो ये नहीं होगा, तो ये वाला हमारा करेक्ट होगा। अब इसी की तरह सेम साइज देखना, तो ये रहा सेम शेप एंड सेम साइज, इसकी तरह ये स्क्वायर देखना, तो ये रहा। ठीक है, इनको कर लेंगे मैसे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं टिक राइट फॉर द लॉन्गेस्ट, जो इनमें सबसे लंबा हो उसके लिए टिक राइट करना, रॉन्ग करना है जो सबसे छोटा हो। तो तीन चीजों में कंपैरिजन दी है इसमें। ठीक है, तो कंपैरिजन के माध्यम से देख लेते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा इन तीनों में ये वाला है, और सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा ये वाला है। तो जो सबसे बड़ा है लॉन्गेस्ट है उस पर राइट लगाना, जो सबसे शॉर्टेस्ट है उस पर क्रॉस लगाना। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तीन गेट दे रखे हैं आपको, तो इसमें जो सबसे बड़ा है उस पर राइट लगाना, जो सबसे छोटा है उस पर रॉन्ग लगाना है। अब ये तीन यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, बीन्स दे रखी है या मटर हो सकती है, पीस, तो कौन से पे कौन सा सबसे बड़ी है, तो ये बड़ी है और ये सबसे छोटी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेक राइट फॉर द टॉलेस्ट एंड क्रॉस एक्स फॉर द शॉर्टेस्ट, जो टॉलेस्ट है उसके लिए क्या लगाना है, राइट लगाना है जो खड़े में टॉलेस्ट हो। ठीक है, और क्रॉस लगाना जो शॉर्टेस्ट हो। तो इन तीनों पेड़ों को देखो, ट्रीज को देखो, तो इसमें आपको सबसे लंबा कौन सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, और सबसे छोटा दिखाई दे रहा है ये वाला। इन बिल्डिंगों को देखते हैं, तो बिल्डिंगों सबसे छोटी ये वाली और सबसे लंबी ये वाली। तो हमें इसी तरीके से अपना ये पूरा चैप्टर करना था, एक बार इसे देख लो। ठीक है, उसके बाद देख लिया हो आपने, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है हॉर्स की बात करते हैं, तो सबसे टॉलेस्ट ये रहा और सबसे स्मॉलेस्ट ये रहा। अब ये कह रहा है थिकेस्ट एंड थिनेस्ट, थिक मींस घना है, चौड़ा है, डेंस बोल देते हैं। उसके बाद थिनेस्ट मतलब पतला, तो ये थिकेस्ट है और ये थिनेस्ट है और ये मिडल है। ठीक है, बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, नाउ वी नो दैट पजल टाइम, कलर द बिगेस्ट ट्रक इन ग्रीन एंड द स्मॉलेस्ट वन इन रेड, जो इनमें सबसे बड़ा ट्रक हो यानी कि ये वाला, इसको रंग ग्रीन कलर कर दो, और जो सबसे छोटा हो ये वाला, इसको क्या कर दो, रेड। नेक्स्ट चलते हैं, अब ये कह रहा है फाइंड आउट एंड राइट द नेम्स ऑफ द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर्स इन योर फैमिली, तुम्हारे फैमिली के जो मेंबर सबसे लंबे हो, जो सबसे छोटे हो, उनके नाम लिखने और उनके नाम
सॉरी, जो टॉलेस्ट है उनके नाम लिखने हैं और जो शॉर्टेस्ट है उनके भी नाम लिखने हैं आपको, ठीक है? ये काम करना। उसके बाद करते हैं, अब आती है आपके पास मेंटल मैथ्स की, तो मेंटल मैथ्स में देख लेते हैं। टिक राइट फॉर द बिगेस्ट एंड क्रॉस फॉर द शॉर्टेस्ट। तो जो बिगेस्ट एंड में उसके आगे राइट लगाना, शॉर्टेस्ट में रॉन्ग लगाना, सीधी सीधी बात, जाहिर सी बात। उसके बाद जो मछली शॉर्टेस्ट है उसके आगे रॉन्ग, और जो बिगेस्ट है उसके आगे राइट, तीनों में दिखाई भी दे रहे हो, कंपेरिजन कर लो, सबसे बड़ी ये वाली और सबसे छोटी ये वाली है। आगे चलते हैं, चेंज। मैथ्स लैब एक्टिविटी, और ये हम करेंगे आपकी मैथ्स लैब एक्टिविटी, ये होगी आपकी क्लास में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू।